नमस्कार आप सभी लोगों को, मैं भैरव मेवारी अवैग्नि डिफेंस अकेडमी हल्द्वानी से एक बार फिर आप लोगों के बीच में। आज आप देख जानते हैं जैसा कि आज 26 नवंबर है। आज 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 में हमारा जो संविधान था वो बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया। जिस संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया था, समस्त नागरिकों को अपना अधिकार प्रदान करने के लिए। तो ऐसे महान व्यक्तित्व तो भीमराव अंबेडकर, और संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष रहे, और बहुत सारे जो हमारे पास संविधान सभा की जो सभाएं थी उनमें बहुत सारे व्यक्तियों का भी अहम योगदान रहा। तो अगर देश में संविधान है तो सब कुछ है, नियम है, कानून है, तो सारे चीज़ जो होते हैं वो नियम और कानून के हिसाब से ही देश में समझे जाते हैं। और एक नागरिकता जो हमें मिलती है वो अच्छे कार्यों से मिलती है, अच्छे संविधान से मिलती है, अच्छी शिक्षा से मिलती है ना। तो इसी के साथ साथ मैंने कुछ संविधान से रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगा। हमारे कानून में भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो नम्य और लचीला है। आवश्यकता पड़ने पर इसमें हम संशोधन संसद कर सकती है, इसमें है ना। तो हमारे संविधान में वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन पहले 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है मौलिक फंडामेंटल राइट से। अब वर्तमान में हमारे पास जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है समता या समानता का अधिकार। फंडामेंटल राइट में हम देखते हैं हमें अवसर की समानता चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर, मैंने मेंशन किया हुआ ऑलरेडी पहले से। सबसे पहले आप देख रहे होंगे समता या समानता का अधिकार, जो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 के बीच में इसका उल्लेख है भारतीय संविधान में। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, समानता का जो है विधि के समक्ष समानता का वर्णन जो है आर्टिकल नंबर 14 में है। आर्टिकल नंबर 15 में हमारे पास ले है भेदभाव निषेध, किसी व्यक्ति का धर्म, नस्ल, जाति, जन्म स्थान के आधार पर हम किसी व्यक्ति विशेष की भेदभावना जागृत नहीं कर सकते हैं। ये हमारा संविधान कहता है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अवसर की समता, अवसर की समता का मतलब किसी भी पद के लिए, किसी भी लोक नियोजन का कोई अगर पद आता है उसके लिए हर किसी भारतीय नागरिक की उसमें समानता है, उसमें पार्टिसिपेट करने का अधिकार है हर किसी व्यक्ति को। तो अवसर की समता का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 16 में दिया हुआ है। अनुच्छेद नंबर 17 जो है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत की भावना को हमें नहीं रखना होगा। अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल नंबर 18 में उपाधियों का अंत है। इसमें जो भी उपाधियां होती हैं उन उपाधियों को राष्ट्रपति के द्वारा व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है। पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, पद्मश्री है, भारत रत्न है, ये सारे जितने भी अवार्ड होते हैं ये आर्टिकल 18 के तहत ही भारत के किसी व्यक्ति नागरिक को दिए जाते हैं, है ना। उसी के साथ साथ हमारा दूसरा मौलिक अधिकार आता है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है, जिसमें 19 के ए में प्रेस वार्ता या बोलने का अधिकार हमें दिया गया है 19 के ए में। 19 के बी पार्ट में बिना हथियारों के शांति व्यवस्था से सभा करने का अधिकार है। 19 के सी में व्यक्ति को संघ बनाने की अधिकार दिया गया है। 19 के डी में भारत के किसी भी प्रांत में आवागमन की स्वतंत्रता है प्रत्येक नागरिक को। 19 के ई में कहीं पर भी निवास करने की क्षमता है, अधिकार है, स्वतंत्रता है मतलब। ई के बाद एफ संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया है। और ई के बाद एफ नहीं आता तो जी आता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपने आजीविका चलाने के लिए, व्यापार चलाने के लिए क्या कर सकता है,
19G के तहत वो व्यापार और आजीविका चला सकता है, वो उसको अधिकार दिया गया अपनी आजीविका चलाने के लिए। अनुच्छेद 20 में देखा है अपराधों में संरक्षण, यदि कोई व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है, एक अपराध के लिए एक से अधिक सजा नहीं दे सकती, यानी कि अपराधियों का संरक्षण का यहाँ पर उल्लेख है। ठीक है, सजा तो दी जाएगी लेकिन एक अपराध के लिए एक बार जो सजा होगी और उस समय मानक के अनुसार जो सजा तय होगी वही सजा उसको दी जाएगी। 21 के क में, 6 से लेकर 14 तक के 21 का जो क उसका आर्टिकल आता है, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को, है ना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। 46वां संविधान सन 2002 के तहत भारत के प्रत्येक व्यक्ति के ऐसे पाल जिनकी उम्र 6 से लेकर 14 साल तक है उनको फ्री में शिक्षा प्रोवाइड की जाती है, बुक्स, यूनिफॉर्म्स, है ना, और गवर्नमेंट स्कूल में फैसिलिटी सारी अवेलेबल कराई जाती है। 22, आर्टिकल नंबर 22 कहता है गिरफ्तारी में संरक्षण, यदि किसी व्यक्ति व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है तो 24 घंटे के अंतर्गत उसे कोर्ट में पेश करना होगा, है ना, और उसको अपना वकील रखने का अधिकार भी होगा, तो ये गिरफ्तारी के में संरक्षण दिलाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, आगे हमने लिखा हुआ है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है। इस अधिकार के तहत अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध दंडनीय अपराध है, यानी कि मानव का व्यापार करना ये भी एक अपराध की श्रेणी में आएगा, है ना। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध 6 से 14 वर्ष तक, है ना, ये भी बच्चों का क्या करता है, बालों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। कल कारखानों में 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को कल कारखानों में, कंपनी में, इंडस्ट्रीज में काम करवाना वो भी एक दंडनीय अपराध है। कहने का मतलब है वो एज जो है बच्चे की पढ़ाने की लिखने की उम्र है, समझ में आ रहा ना। उसी के साथ साथ चौथा हमारे पास अधिकार आता है, हमारा जो मौलिक अधिकार है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता है, यानी कि इसमें धार्मिक चीज़ों के बारे में वर्णन है, किसी भी व्यक्ति का धर्म जो भी है उसको फॉलो कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार करने की भी उसके स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 राज्य के किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, हम किसी व्यक्ति को भी कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं जिसका व्यय हम धर्म प्रचार प्रसार में खर्च करें, तो ये चीज़ भी यहाँ पर उल्लेख है। अनुच्छेद नंबर 28 यहाँ पर दिया हुआ है राज्य विधि से पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी कि किसी विशेष धर्म की शिक्षा देने का भी यहाँ पर अधिकार नहीं है, है ना, यानी कि पंथ निरपेक्ष की भावना हमारे संविधान में है, सारे धर्म क्या है एक समान है, सर्वधर्म संभाव की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। उसी के साथ साथ मौलिक अधिकार पाँचों हमारे पास आता है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल नंबर 29 आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, है ना, जो OBC हमारे कैटेगरी है उसका संरक्षण करना, उन लोगों का भाषा, लिपि, अपनी संस्कृति का भी हमें संरक्षण करने का अधिकार है ना, यानी किसी भी हम भाषा बोली के आधार पर किसी व्यक्ति में भेदभाव की भावना जागृत नहीं करना है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का भी अधिकार है, यदि कोई शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक वर्ग का, SC ST OBC वर्ग का व्यक्ति भी अपना इंस्टीट्यूट संस्था चलाना चाहता है तो उसमें भी राज्य सरकार, भारत सरकार की अगर से अनुदान के रूप में उसे भी धनराशि देगी, उसके साथ कोई ऐसी भेदभाव नहीं रहेगी, है ना। वैसे भी शिक्षा समवर्ती के विषय में आता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो शिक्षा का तो आपको पता ही है ना, हर कोई शिक्षण संस्थान चला सकता है और ये अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार जो छठा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भारतीय संविधान के जनक, इन्होंने कहा है संविधान की आत्मा, किसे कहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 32 इसके अंदर आता है। आर्टिकल नंबर 32 के तहत होता क्या है, आर्टिकल नंबर 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है, कितने प्रकार की शक्ति, 5 प्रकार की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय रिट निकालने की शक्ति है, और अनुच्छेद नंबर 32 को
भीमराव अम्बेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों का उपचार यानी कि भारत के संविधान की आत्मा कहा है ना। तो पहला कौन कौन, पहली रेट क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध लेख, चौथा है उत्प्रेक्षण और पांचवा है अधिकार प्रतिलेख, है ना। तो ये पांच प्रकार की जो रिटर्न निकालने की शक्ति ये सुप्रीम कोर्ट में है, ये आर्टिकल नंबर 32 में इसका उल्लेख है ना। तो आज संविधान दिवस पर इतना ही, और मुझे उम्मीद है आप इन सारे पॉइंट को आप नोट डाउन करेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट हम ऑफलाइन क्लास में इसको और डिटेल से अगर आप कहेंगे तो वहाँ पर एक्सप्लेन हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।